हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ मेरे दोस्तों, माताओं एवं बहनों एवं दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप लोग हमारी इस पार्टी जनाब मोहम्मद इद्रीस भाई ग्राम भटनोसा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली नंबर वन पार्टी का प्रोग्राम गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम से कई प्रोग्राम देख चुके हैं और आज इस पार्टी का शानदार प्रोग्राम हमारे गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा आप लोगों के समक्ष जो पेश किया जाएगा, एक्टिंग एक्शन से भरपूर, नाच गाने से भरपूर, मादाल से भरपूर, सामाजिक एवं पारिवारिक तमाशा पेश किया जाएगा। बेटे की कुर्बानी, पागल बाप उर्फ डाकू दिल से। मंत्री अभय प्रताप सिंह, मेरे दानवीर सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइए सम्राट, क्या पूछना चाहते हैं? कहिए मंत्री जी, अपने प्रजा के कुशल, राज्य के सारे अहवाल बतलाइए, किसी को कोई तकलीफ भाई हो तो कहो, मिन्नत आज जी सारी फरमाइए। मंत्री अभय प्रताप सिंह, सम्राट इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? प्रजा खुशहाल है, प्रजा में कोई परेशानी नहीं सम्राट, तो हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें काम कोई दिखाती नहीं। नाम है हो रहा, मुकले का कोई दिखाती नहीं रही। सम्राट प्रजा खुशहाल है, प्रजा में कोई परेशानी नहीं, और जब तक ये गुलाम आपका जीवित रहेगा प्रजा को खुशहाल रखूंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ऐसा ही होना चाहिए, अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। क्यों नहीं सम्राट? लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, आज काफी दिन बीत चुके हैं, हमारा बहादुर सेनापति नीरज सिंह वो सीमा सरहद से राज दरबार में नहीं आए, और न तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला है, इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। दरबारी जी सर, सेनापति लीडर सिंह इस समय सीमा पे तैनात, और सम्राट लीडर सिंह को दरबार में याद किए हैं, लीडर सिंह को फोन कर दो। बहुत अच्छी बात सर। और फोन
कि सम्राट दरबार में याद किए हैं, बहुत जल्द सीमा से दरबार में हाजिर हो। जो आज्ञा सर। फोन कर दो। ओ भाई जी, ओ भाई जी, और राजा गल सुन। आ गए भाई जी। ओ शास्त्री गल, शास्त्री गल यार, तुसी की हाल है? मैनु चंगी हाल है, तुसी की हाल है? मैनु भी चंगा है यार। कैसे याद किया? ओ साहब को फोन करना है यार। साहब को? और साहब को नंबर वही पहले वाला? हाँ, पहले वाला नंबर है। 9838-56-57-26। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप बोलो सिपाही, क्या काम? साहब आपको महाराज दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हों। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? यस सर, मैं बहुत जल्द दरबार पहुँच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। महाराज सेनापति जी आ रहे हैं दरबार। आ रहे हैं सर। साहब हेलीकॉप्टर से आइएगा। सदा खुश रहो। आइए सेनापति निडर से। फरमाइए हुजूर। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बीरबल अपने सेना की सारी खबर और जरूरत कोई कहो खोल कर, मुल्क की आन और शान सब कुछ तुम सब कुशल छेम अपनी कहो खोल कर। चौकसी में सभी जब तलक है प्रभु की पैस नगर पे नजर कोई टकरा इस ताकत से पहले उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। शाबाश मेरे बहादुर, मुझे विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कायम हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा और देश की ये शान है झंडा ना झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जा करके तुम बॉर्डर की रक्षा करो। भाग्य राजन। सदा खुश रहो। सदा खुश रहो। सिपाही जी,
हमारे देश की शान और शौकत जो कुछ भी है वो सेनापति निडर सिंह है। जो रहे सर। और सेनापति निडर सिंह के ताकत के ऊपर मुझे बहुत बड़ा नाज है। क्यों नहीं राजन? महाराज, अगर आपके दरबार में कोई बहादुर है तो वो सेनापति निडर सिंह। शिवाई तुम ठीक कहते हो, सेनापति की ताकत के बुझाव के ऊपर मुझे बहुत बड़ा नाज है। महाराज, आपके इस मुल्क में शाही तिरंगा झंडा लहरा रहा है तो सेनापति के ताकत में। मंत्री अभय प्रताप सिंह, तुम जाओ। महाराज, और तो सब दरबार में वही कमाए खाए वाले भारतीय सब गोबर है। तुम जाओ, अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ घूम कर चारों तरफ देखो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। चाओ। दरबारी जी हुजूर, तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। बहुत अच्छी बात। और रियासत में घूम कर देखो कोई व्यक्ति परेशान तो नहीं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी परेशानियों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। दरबारी आओ मेरे साथ। महाराज की जय हो। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती जी आना चाहती है, क्या इजाजत है? सिपाही जा करके कह दो इजाजत है, वो आ सकती है। बहुत अच्छी बात। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जो चेहरा हमेशा एक कमल की फूल की तरह खिला रहता था आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है? क्या बात है? पापा सब कुछ बदला। तो बेटी कृष्णावती मुख की कांति मती। कृष्णावती मुख की क्रांति मलिन और प्राण प्यारी लाडली किस गम में गम। गमगीन को क्या ख्वाहिश है तुम्हारी और किस गम में गमगीन को क्या सदमा जिगर करारी और क्या ख्वाहिश है दिल में तेरे ऐ बेटी सुकून। कमी हुई हो बात बता दे सारी और खाने पीने व रहने की भाई कौन लालसा भारी। खाने पीने व रहने
ठीक मारी घबराए क्या फरमाने बेटी, क्या बात है जो कि तुम इतना उदास और गमगीन हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या कि और कोई बात है? बोलो बेटी। पापा, किसी ने मुझे ना कुछ कहा है और ना तो किसी ने मेरे हुक्मों की ना फरमानी की है पापा। तो फिर बात क्या है बेटी? गम सिर्फ इसी बात का है पापा। पिता श्री विनती करूं मैं दोनों कर जोर और चंद नगर चौ तरफ मच रखा काफी। चिराहा काफी सोर कुंभ का पर्व पड़ो गए भारी और बेतों में बखाने उसका महिमा जिसकी न्यारी। जाय स्नान करूं नासिक प्रबल हमारी, जाय स्नान करूं नासिक में इच्छा प्रबल हमारी। अर हुकुम यही लेने आई कृष्णा राज दुलारी। आदेश करो जारी हाँ। पिता आदेश करो जारी हाँ, करूं चलने की तैयारी हाँ। बस ना जाने किरण जो गम मेरे जिगर अंदर है। पापा, नासिक का मेला लगा हुआ है और बहुत से नारियां जा रहे हैं नासिक का मेला देखने के लिए। इसीलिए मेरी हार्दिक इच्छा है पापा कि मैं भी जाऊं और नासिक का मेला देखूं और महाकुंभ के दर्शन करूं। पापा, आपसे इजाजत चाहती हूं। बेटी, तुमने हमारे सामने ऐसा प्रश्न उठाकर रख दिया कि जिसका कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। पापा, बेटी, तीर्थ व्रत और गंगा के स्नान को रोकना धर्म वाजिब नहीं। बेटी नासिक में तो भीड़ गर्द की हो, भेजना इसलिए है नासिक की। गंगा के स्नान को रोकना धर्म वाजिब नहीं। बेटी नासिक में तो भीड़ गर्द की हो, बेटी नासिक
नासिक के महाकुंभ के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। चारों तरफ से लोग वहाँ स्नान करने व मेला देखने के लिए आते हैं। 100 बरस बाद आया महाकुंभ है, साथ में मेरे भैया को कर दीजिए और जाने दीजिए पिता जाने दीजिए। जाने दीजिए रोक कर पाप सर पे नहीं दीजिए। जाने दीजिए पिता जाने दीजिए। पापा आप तो जानते हैं इन नासिक का मेला 100 वर्ष के बाद आता है पापा, और कोई भी इंसान हो सभी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार ये मेला आता है पापा। अगर ऐसी बात है तो साथ में मेरे भैया को कर दें, अपने भाई के साथ में नासिक का मेला देखने लग जाऊं पापा और कुंभ के दर्शन करूं। बेटी अगर ये बात है तो तुम बैठो, हम इसके विषय में सोचेंगे। सिवाई राजन तुम जाकर हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और सेनापति निरज सिंह के बेटे कमलेश को बुलाकर हमारे पास ले आओ। बहुत अच्छी बात सर। सदा खुश रहो बेटे, सदा खुश रहो। कहिए पिताजी, आज भरे रात दरबार हम दोनों भाइयों को किस लिए बुलाया गया है? बेटा किशोर एक छोटा सा काम पड़ गया है, इसलिए आज हमने तुम दोनों भाई को अपने पास बुलाया है। बोलिए पापा, कौन सा काम पड़ गया है जो कि हम दोनों भाई को बुलाया गया है? बेटा कमलेश, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए वो सीमा सरहद पे तैनात थे। आज भी तुम्हारे पिताजी हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा सरहद पे मौजूद हैं, और उन्हीं के बेटे तुम हो। आज मैं तुमसे जो कुछ कहूंगा हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे या कि उसे उल्लंघन करोगे? राजन, जिनके ऑल एनिस्टर आपके आदेशों का पालन करते चले आए हो उन्हीं के बच्चे आपके हुक्म का पालन करने में पॉसिबल है। राजन आप तो मेरे पिता तुल्य हैं और आपके आदेशों का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ आप हुक्म कीजिए। What can I do for you? Any service for me? How should I serve you? Allow me, my emperor. Allow me, please. बेटा कमलेश, नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और वहीं पर हमारी बेटी राजकुमारी कृष्णावती स्नान करने जाना चाहती है। हम इन्हें वहाँ अकेले भेजना अच्छा नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि तुम दोनों भाई साथ में जाओ, बहन को स्नान करा के वह मेला दिखा करके राजमहल वापस लेकर आओ। The pleasure is mine. How enjoy fly must go there. बेटी क्या बात है भाई, तुम अपना दिल छोटा मत करो, जाकर के तुम मेला जाने की अपनी तैयारी करो। तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोनों भाई को मैं भेज रहा हूँ। बहन चलो बहन, मेले की तैयारी किया जाए, चलो आओ मेरे साथ। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। भगवान करे हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो। कमलेश, जाते जाते एक हमारी बात सुनते जाओ। कहिए राजन। कमलेश आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें कोई सगी बहन नहीं दिया, लेकिन तुम हमारी बेटी को एक सगी बहन से ज्यादा मानते हो और हमारी बेटी भी अपने सगे भाई किशोर से ज्यादा तुम्हें मानती है।
हर वर्ष ये रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधती है, तब उसके बाद अपने सगे भाई किशोर के हाथ में। कमलेश, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, सिर्फ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। कोई भी शख्स हमारे बच्चों की तरफ अपनी बुरी नजर उठाकर देख न सके, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजन, ये तो सच है कि ईश्वर ने मुझे कोई सगी बहन नहीं दिया, लेकिन इस बहन से मिल करके आज तक मुझे बहन की कमी का एहसास भी नहीं हुआ। काश मेरी सगी बहन भी होती तो मुझे इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार मुझे इस बहन से प्राप्त हुआ। मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान दे दूंगा। मेरे जीते जी आपका कभी अपमान नहीं हो सकता है। जब तक सीने में बाकी है दम गुलाम का, कोई भी दुश्मन हो आपका इश्तियाक है इंतकाम का। पीछे कदम न सर तो भासे हटाऊंगा, कुल खानदान भेंट वफा पे चढ़ाऊंगा। ये सर भी अपना तेगे वुदू पे चढ़ाऊंगा, जो कह चुका जुबान से राजन मैं इसको निभाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे सामने आपका कभी भी सर नहीं झुक सकता है। उसके पहले मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। आई कैन नॉट प्रोनाउंसिएट माय एम्परर, लेट इट बी प्लीज। चलो बेटा, तुम लोग मेला जाने की अपने अपनी तैयारी करो। ओके सर। सदा खुश रहो। बच्चे नासिक के मेला जा रहे हैं, चलकर हमारे बच्चों की पूरी तैयारी करवा दो। इनकी तैयारी में कोई भी किसी भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। आओ हमारे साथ।